हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले 2 चम्मच घी और 1 कप मैदे से ढेर सारा घेवर। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चीनी और इसके आधा हम इसमें पानी डालेंगे। घी से अच्छे से चलाएंगे। तो ये चाशनी में उबाल आ चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नींबू का रस। नींबू रस डालने से क्या होता है कि हमारा जो चाशनी होता है ना, वो जमता नहीं, अच्छे से रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें तार जैसी आने लगी है एकता। तो ये हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। हम रबड़ी बनाएंगे एक गिलास दूध से। इसको अच्छे से ऐसे कर चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। हमारा रबड़ी बनकर रेडी है। अब हम घेवर का पेस्ट तैयार करेंगे। घेवर का पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे मिक्सी जार, बड़ा वाला है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, सही ना। तो ये हमने इसमें घी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े। तो इसमें हमने डाल दिए बर्फ के टुकड़े। हम इसे डालेंगे दूध अच्छे से ऐसे करके लॉक करेंगे और इसे फिर से चलाएंगे। तो देखिए, ऐसा दूध डालने से ये ऐसा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। मैदा को हमने 1 कप लिया है करके, और इसे अच्छे से ही ऐसे लगाकर हमें मिलाना है। इसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें सारे मैदे को डाल देना है और इसका बैटर अच्छे से बना लेना है। बैटर हमारा रेडी है। तो ये मिक्सर में ऐसा हो चुका है, मैदा सब हमने इसमें डाल दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके पानी डालना है, ठंडा पानी इसलिए ताकि इसमें झाग अच्छा से है, और झाग आता है जिसके कारण घेवर जालीदार बनते हैं। इसमें और हल्का सा पानी डालेंगे। ये हमारा बेटर बन के रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, पतला है ऐसे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये घेवर बनाने के लिए हमने ये पतीला लिया है। पतीले में हमने रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, इसे रिफाइंड बनाया है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पतीला जो है ना, पतीला के आधे से नीचे ही रखना है हमें ऑयल घी को, आधे के ऊपर हमें नहीं रखना है। इसमें जो बेटर डालते हैं ना, वो उसका झाग आता है, इसीलिए। अब हम इसे रिफाइंड को गर्म करेंगे। इसे हमें अच्छे से, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है काफ़ी। अब हम इसमें घेवर का बेटर डालेंगे करछी की मदद से।
थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें इसे ऐसे कर अब हम इसे चाकू की मदद से ऐसे करने से क्या होगा ना, ये नीचे जाएगा तो अच्छे से फ्राई होगा। इसे हमें ब्राउन होने तक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे ऐसे करके निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट जालीदार घेवर बनकर रेडी है। ऐसे ऐसे ही हमें सारे घेवर बनाने हैं। ऐसे ऐसे करके डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम घेवर बना रहे हैं इसमें होल हो चुका है। अगर आप लोग बनाएं, अगर उसमें होल ना हो तो चाकू की मदद से ऐसे ऐसे करके आप हॉल बना सकते हैं। और जो हॉल बनेगा ना उसी में हमें बेटर को डालना है। इसी में हम उसके बाद से चाकू से ऐसे करके साइड साइड किनारा से खड़ा कर नीचे कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो। तो ये हमारे एक और घेवर बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही करके हम सारे घेवर बना कर रेडी कर लेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ना थोड़े थोड़े बेटर ही इसमें डालना है। हमने इतना तो ज़्यादा करके डाल दिया था जिसके कारण मैं हमारा तेल जो ऊपर आ गया था। आप ये गलती कभी ना करें। आप थोड़े थोड़े ही बेटर को तेल में डालें। फ्रेंड्स, इसमें हॉल नहीं है, इसमें हम ऐसे करके छोटा सा हॉल कर देंगे ताकि हम यहाँ पर जो बेटर डालेंगे ना इसमें झाग आएगा, अच्छे से बनेगा घेवर जालीदार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये घेवर तल चुका है। तो ये बन चुका है घेवर। अब हम इसमें चाशनी लगाएंगे और रबड़ी। ऐसे कर करके हमें सारे घेवर पे चाशनी को डाल देना है। ऐसे करके अच्छे से चाशनी को डाल देना है इसमें। हम इसमें रबड़ी को लगाएंगे। अब हम इसे गार्निश कर देंगे इस तरह से। हमारा घेवर बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ 2 चम्मच घी और 1 कप मैदे से इतने सारे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।